बजी और एक धुन बजी, एक धुन बजी, धुन 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 बजाओ उठा और कटपी सुनिएगा दादाजी, धुन को धुन को बड़े भैया, एक धुन बजी, धुन बजी क्या बजी कि सारा सारा दिल तेरी ध्यान देना शब्दों पर, और दादाजी आप लोग तो सुनी रहे हैं, सुनेगा हनुमान को जब सुबह सुबह दिवाकर जी निकले तो कहा जो प्रथम फल लाल दिखे उसे खा लेना। हनुमान जी दौड़े और मुख में दवा लिया। अरे होता क्या है, सूर्यदेव को क्या बात है, संतरा समझ के लाल लाल फल नहीं है।
का मिला फल लंकापुरी में तो अंजनी लला अकुला है। ये क्षत्रिय का कमाल पीली से इंद्रजीत ने है शक्ति चलाई। आइए इंद्रजीत ने है तो इंद्रजीत ने है शक्ति चलाई तो बल पाए कपिराई तो बल पाए कपिराई। इंद्रजीत ने है इंद्रजीत ने है शक्ति चलाई तो फल पाए कपिराई तो फल पाए कपिराई। शुरू हुई है अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अब ये बहुत छोटा ऊंट है, ये बरेली का ऊंट बहुत छोटा है। गीत मैंने दिया था कि रब ने बनाया मुझे तेरे लिए तुझे मेरे लिए। इतना झूम कर गा रहे थे ऐसे लग रहा था वो गीत मैंने इन्हीं के लिए गाया है या फिल्म वालों ने ये गीत इन्हीं के लिए बनाया है। बिल्कुल ठीक बेटा, इन्हीं के लिए बनाए। और कह रहे थे कि गलत मत समझना ये गीत मुझको बहुत अच्छा लगता है। तो बस एक लाइन याद आ गई, कौन सी? रब ने बनाया मेरे लिए मुझे तेरे लिए। और क्यों बनाया कि आप जैसे टेढ़ों को मैंने सीधे किए। क्या बात है बेटा, बनाया मुझे तेरे लिए कि देखने में तू दशहरी आम लगते हो। देखने में दशहरी आम लगते हो और पान में जैसे किमाम लगते हो। देखने में दशहरी आम लगते हो और पान में जैसे किमाम लगते हो और जब मुस्कुराते हो तो कसम से काला जाम लगते हो और जब खिसिया जाते हो तो झंडू एक बाम तीन का। बेटा तबीयत कैसी है? अभी उधर से कहेंगे कि बाम बड़े काम की चीज है, एक बाम तीन काम। पहले ही बता दिया बेटा, और इसीलिए पहले ही बता दिया हमने। क्या बात है, नीचे से कह रहे थे अरे ये लोहे के चने हैं, ये लोहे के चने हैं, कोई बथुए का रायता नहीं है। फैलाओ राय बरेली में, यहाँ नहीं बथुए लोहे के चने क्या मतलब है? अच्छा ठीक है, बथुए का रायता नहीं, लेकिन गाने में इतनी ताकत क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? स्वर सेट कर लीजिए और इत्मीनान से भैया इसको सेट कर लीजिए। सीटी ना बजा भैया, जब उधर से राजवीर जी गाए तो खूब सीटी बजा लेना। ये स्वर सेट कर लीजिए और उसको आराम से गाते रहिए। अब देखिए रायता, बथुए का रायता, उसका जवाब सुन लीजिए। कहना है क्या कि रायते में मट्ठा नहीं तो जलजीरा क्या करे।
है, आपके गाने से हमको मालूम पड़ता है, अरे गले में आवाज नहीं तो मंजीरा क्या करे, क्या करे। ये रहा आपके रायते का जवाब। आइए कलेजे से गाओ बेटा कलेजे। कह रहे हैं कि ये अब ये हिंदुस्तान की होके अंग्रेजी इस्तेमाल कर रही है। अरे राइटरी फिर किस काम की, राइटरी किस काम की, जवाबी किस काम की, ये मंच फिर किस काम का। ये मंच ऐसा है कि इसमें रामलीला का संवाद नहीं होगा, किसी भागवत की कथा नहीं होगी। एक यही मंच ऐसा है कि जिसमें हम तुम हर चीज को प्रस्तुत कर सकते हैं। ना बेटा ना, ये नहीं करेंगे, केवल आप ही करो। प्रस्तुत कर सकते हैं, हर तरह की राइटरी दिखा सकते हैं। नहीं आता है तो सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ते हो, सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ते हो, तमाम इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले हैं, जाओ। अब तो क्योंकि इंग्लिश मीडियम का जमाना है भैया, इंग्लिश मीडियम का जमाना है, जब सब बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप भी भर्ती ले लो। लेकिन आइए, बहुत ताकत लगाकर धुन गाई है आपने, कहना है। गीत बहुत ही साधारण था शनिदेव जी का, लेकिन आपने उसको ऐसा मथा है, ऐसी ताकत लगाई है। आइए, धुन दिया है। गीत है आपका कटबी साई। ज्यादा किटर पिटर नहीं, केवल साफ सुथ कहा। सारा सारा दिन तेरी याद सताए, रात को नींद ना आए, क्या बात है। बावरी हो गई मैं तो ऐसी, मुझको हनुमान जी निकल गए। और कुछ है नहीं क्या, और लाल कैसे हुए देखे, मैं बता रही हूँ कि लाल कैसे हुए, सुनिएगा। लाल लाल क्या लगा रही हैं?
तो हनुमान जी बोले, क्षमा करिए, सीता मैया बोली कि इसको लगाने से भगवान श्री राम प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और जब प्रसन्न होते हैं तो हनुमान जी ने सोचा कि जब सीता मैया इतना लगाती हैं, जब इतना सा लगाती हैं तो श्री राम प्रसन्न होते हैं, तो क्यों ना मैं इससे अपने शरीर को रंग लूं, पूरे शरीर को रंग लूं, तो मेरे प्रभु श्री राम कितने प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए कहा कि लाल लाल अंजनी लाल हुए और मन हर साई लाल तू है मेरा मैं हूँ माई लाल तू है मैं तेरी माई लाल लाली नहीं ये मैंने छुपाई लाल तू है मैं हूँ माई लाल तू है मैं हूँ माई बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। आपके लाल लाल फल।